पड़ोसी के साथ कैसे हारमोनियस कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए उसकी थोड़ी सीख ले लो और झूठे एमएलसी बनाना बंद कर दो। आपकी क्रेडिबिलिटी आज के तारीख में निशानदेही पर है, पूरा देश आपको सम्मान करता है। ऐसे काम ना करें और रास्ता हमें दे दे। दलीलें तो सच की थी, सच की दलीलें जिसमें कि जिसके अंदर हमने सिर्फ सच की बात की। हमने ये कहा कि जी बताएं ऑन रिकॉर्ड कहाँ है मामला बनता है, कोई प्रूफ नहीं है। आपने कानून की धज्जियां उड़ा रखी हैं। जिस पुलिस की व्यवस्था को आज मेरा ख्याल है कि दिल्ली पुलिस को शर्मसार करने का श्रेय मोदी जी को गया है। बगैर कानून फॉलो किए, बगैर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को फॉलो किया, आपने दिल्ली पुलिस को मजबूर किया ऐसा करने को। आपको शर्म आनी चाहिए। दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के नौजवान जितने भी हमारे ऑफिसर साथी हैं उन सबको शर्म आ रहा है अपने ऊपर, किस तरह से उनको मिसयूज किया जा रहा है। उसी तरीका से मिसयूज उन्होंने एम्स को भी किया। भाई एम्स एक ऐसी संस्था है इस पर सबको भरोसा करता है। आपने झूठे एमएलसी बनवाए उनके हाथों, पूरे का पूरा सीन वीडियो रिकॉर्डेड है, किसी ने कोई हाथापाई नहीं की। एमएलसी कैसे बन गई? माननीय मोदी जी, आप इतनी अच्छी संस्थाओं को अपने पॉलिटिकल कारणों से मिसयूज कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। पूरा देश आज शर्मसार है आपके इन हरकतों से। हमारे 18 सैनिक मारे गए हैं, उन पे शर्म आनी चाहिए आपको। आपने कहा था 10 सिर लेके आएंगे, अभी तक आपका एक भी सिर नहीं आया है यहाँ पे। आप वहाँ जाकर के नवाज शरीफ के फंक्शन में सम्मिलित होते हो। देश शर्मसार है आपकी हरकतों से और इन हरकतों से आप अपने लिए दोनों हाथों से कब्र खोद रहे हो। भारत की जनता आपको उस कब्र में डालेगी। सर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि जी एक तो केस जिस तरह का था कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। कोर्ट ने साथ में ये कहा कि भाई अरेस्ट करने की जरूरत क्या है आपको, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण आप अरेस्ट करना चाहते हो। एक अर्नेश कुमार की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, ना तो उसको फॉलो किया, ना उन्होंने कभी मुझे नोटिस दिया, ना कभी बुलाया। आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी के एमएलएज को, नेताओं को तंग किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, ये उनके लिए बहुत भारी साबित होगा। पूरा देश थू थू कर रहा है उनके ऊपर। कृपया करके अपना ध्यान पाकिस्तान को हराने में लगाओ, पाकिस्तान से बदला लेने में लगाओ। अरे हम तो भारत के हैं, हम हो सकता है आपके काम ही आ जाएं, इसलिए अपना ध्यान उस तरफ लगाओ जहां लगाना चाहिए। ऐसे मत करो, थोड़ा प्यार से काम किया। पुलिस वाज हैवली मिसयूज्ड, आई वाज कैटेगोरिकल इन सेइंग सो। पुलिस इज आल्सो टुडे सेमफुल दैट दे वर हैवली मिसयूज्ड बाय मोदी। प्रॉब्लम देयर बाय इज क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द काइंड ऑफ दिल्ली पुलिस एंड एम्स बोथ टुडे आर सेमफुल ऑफ देयर एक्शंस। They got abused, misused by Modi government and its ministers for their political sins. This case, today arrest and then the Honorable Court was kind enough to do justice with me. And this justice is because of the people of area. The people of area have been fighting for a good cause. That road belongs to the people. That road has been encroached by AIIMS. So I think this is a good lesson Modi government should understand. Modi should focus its all energies not towards Aam Aadmi Party. Today the country is watching and expecting from him he will take a stern action from Pakistan. At Pakistan, Pakistan is to be taught a lesson. We are Indians. Pakistan is killing our soldiers. You got to be focusing your energy there. You go and eat biryani there. You should be shameful. Today, I think in the morning, couple of hours ago, Amanatullah Khan got bail. I was coming to the court to argue his matter and I was arrested on the way. What was hurry? What was the need to arrest me like this? And then Honorable Court was considerate enough to do justice. I'm very, very thankful to the court. Every person in my constituency, they're all with me. They're fighting with me. I have not been doing anything for myself. This is the victory of the people of my country. Sir, you are stating that you worked for the constituency by going there. Sir, but there are charges of vandalism because the wall which was killed by you, which was destructed by you particularly. Do you support that violence particularly? It was not an action by Somnath Bharti.
It is a written action, recorded action, minuted action by PWD. PWD in its meeting of 15th of September 2016 duly noted it down. The 9th September action of PWD was stopped by AIIMS. AIIMS is in dock today. AIIMS has to come out. And I request my media friends, do not try to write things and attribute things wrong about me. Speak truth, be with truth, continue with you. Sir, but speaking about AIIMS, as you stated, sir, AIIMS is also trying to combat the dengue and chikungunya in Delhi. Dengue and chikungunya is a menace we all have to fight together. I mean, this is not the correct time for us to pinpoint who is at fault and who is not at fault. We are all aware of it. Problem there why? Everybody has to understand their responsibility. The preventive role was of NCD. They should have gone ahead and done it. But nevertheless, our government under the leadership of Arvind Kejriwal Saab, we are doing our best. We'll be out, MLAs will be out doing fogging on their own. I think this blame game need to be a little postponed for some time, and then we'll be doing analysis later. Somnath Bharte! Somnath!